प्राचीन मूर्ति 24 भगवान सिद्ध आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ से भूगर्भ से निकली है। यहाँ पुराने टिल्ले हुआ करते थे बालू के, उसमें से रणजीत जाट के हाथों से ये प्रतिमा जी यहाँ पर निकली है। यहाँ पर खारा पानी निकला था, जो कि जो ना जैसे ही यहाँ खुदाई हुई तो उसका मीठा पानी होता चला गया। महाराज विद्यानंद जो हमारे श्वेत पिच्छाचार्य जी वहाँ दिल्ली में, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रतिमा इतनी भव्य है कि ये हरियाणा का ही नहीं और पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा तीर्थक्षेत्र बनेगा। 20-22 एकड़ में जो है ये मंदिर हमारा जो है तैयार हुआ है। दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। ये रोहतक से लगभग 40 किलोमीटर है और भिवानी से 35 अराउंड जो है ये किलोमीटर है और दादरी से ये 12 किलोमीटर पड़ता है। सबको मेरा जय जिनेन, मैं हूँ आदित्य और आज मैं आपको लेकर चला हूँ एक ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र के ऊपर जिसकी कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। यह बात है सन 1991 की, जब अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा पर्व के शुभ दिवस पे हुआ एक अतिशय। रंजीत सिंह नाम का व्यक्ति जब अपने खेत में अकेला काम कर रहा था तब उनका फावड़ा अचानक ही मुड़ गया और उनके हाथ कांपने लगे और आगे फिर जो हुआ इतिहास उसका गवाह है। जहाँ तब एक मिट्टी का टीला होता था, कैसे वहाँ आज भव्य मंदिर बन चुका है। तो आइए जैन स्थल में आज चलते हैं अतिशय क्षेत्र रानीला जी पर, जहाँ एक भी जैन परिवार का घर नहीं, और जानते हैं वहाँ की कहानी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी क्षेत्रों की वीडियोस बनाते रहें। मंदिर जी में अक्सर सफ़ेद धोती कुर्ता पहने भगवान के चमत्कार को नमस्कार करते आपको रंजीत सिंह जी मिल जाएंगे। आज वे भगवान के आशीर्वाद से संपन्न जीवन बिता रहे हैं। भाई ये सेना कानमा में दशहरा के दिन पूरे मट्टी रोजाना खोदे कर देखो, तो दशहरा का दिन आया उन्होंने 200 आदमी मट्टी खोदे कर दे, उन्होंने कोई छुट्टी मना रहे थे, सब ने कोई नहीं आया। मैं आया तो मैंने देखा हम भी छुट्टी मना लें त्यौहार के दिन से, अब कोई भी नहीं आया तो मैं घर चला गया। उल्टा ही घर गया तो हमारी पत्नी बोली त्यौहार के दिन खाली नहीं आना था, जाओ मट्टी ले आओ, वहाँ से मट्टी लानी है, उल्टे तो वहाँ जाना है। तो मैं आने की उरे मट्टी खोदन लग गया तो मेरा फावड़ा लग गया, दो फावड़े लगे, तीसरा फावड़ा मेरा मुड़ गया, लक्की मुड़की ने और वो चले नहीं, मेरा हाथ से फिर सीधा करके चला दो, हाथ कापड़ लग गया, घबराहट सी आ गई। वहाँ भैया आज मट्टी ना खुदे, तो यहाँ सिटी के पास में एक पेड़ से बैठ गया, बैठे बैठे मेरा ध्यान आया कि हाथ से खुदाई करो। हाथ से खुदाई करी तो दोनों प्रतिमा लकड़ाई माता की आदिनाथ भगवान की 24 भगवान दोनों लकड़ाई। तो मैं तो शिला समझिए घर ले गया, मैं ये पटड़ा बन जाएगा, चलो घर ले चाल। तो घर ले गया तो मैं जाके घर जाके धोई, जो मूर्ति दिखी भाई थे तो वैसे शिला समझ के ले गया था। फिर हमने देखे भैया तो कोई मूर्ति है, हमने न्यू नहीं बेरा था ये जैन धर्म की है किसकी है, भाई माँ को उनको भगवान से रखो व्रत पर लगा दो और कर दो। तो बाहर से आदमी आए, ज़्यादा भीड़ होगी तो दो मोटे मोटे आए भी, ये मूर्ति दे दो, ये मूर्ति दे दो, रात को आपको पैसे दे दें। तो मैं भी मूर्ति नहीं बेचा बिल्कुल भी, यहाँ मंदिर मनवाए तो रोहतक का सेठ आ गया तो वो बोला यहाँ मंदिर मनवा दूंगा, ये मूर्ति मारे को दे दूँ, मैं भी आपको दे दूंगा और मदद करूँगा खूब, उस मंदिर यहाँ मनवा दो। यहाँ का खारा पानी तो मीठा होया है, बहुत लोगों की मनोदरा पूरी होती है भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा प्रकट होने के बाद रानीला गाँव में ज्योति का संचार होने लगा और क्षेत्र पर चमत्कारों का प्रभाव समय समय पर देखा जाने लगा। ऐसा ही वाक्य हुआ जब परम पूज्य श्री 105 आरिका रतन सृष्टि भूषण माता जी तन्मय होकर भक्तांबर का पाठ कर रही थी, तब अनायास ही भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा से पवित्र गंधोदक स्वयं प्रकट हुआ। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग गदगद होकर जयकारा लगाने लगे। उन दिनों सृष्टि भूषण माता जी घुटनों की समस्या के कारण ठीक से चलने में असमर्थ थी और स्वयं प्रकटे गंधोदक के आचमन के पश्चात वे बिल्कुल ठीक हो गई। इसी तरह भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वाले भक्तों के साथ अतिशय होने लगे और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। मन और वचन है बीते राग प्रभु अष्ट दर्व से अर्घ्य बना, पावन तन मन है भाव शुद्ध चरणों में अर्पित ने है बड़ा, होगा अनंत सुख प्राप्ति मुझे विश्वास हृदय में लाया, तेरे
चरणों की पूजा से मैं परम पदार्थ पाया हूँ। आरिका सृष्टि भूषण माता जी के भक्तांबर पाठ के दौरान हुए चमत्कार के पश्चात मंदिर जी में भक्तांबर जी के 48 काव्य सुनहरे अक्षरों में अंकित कराए गए और माता जी की पिच्छी, रंजीत सिंह जी का फावड़ा जो मुड़ गया था, दोनों को मंदिर जी में ही विराजमान किया गया। अभी तक जितनी प्रतिमाओं के दर्शन मैंने किए हैं तो विशेष आकर्षण मेरे को इस प्रतिमा में लगा। भगवान आदिनाथ की मनोहारी प्रतिमा जी लगभग 1400 से 1500 वर्ष प्राचीन है और प्रतिमा जी पर बहुत सुंदर जिन धर्म समोशरण का विवरण है। जो भी तीर्थंकर इसमें है जी, मूर्ति के अंदर ये आदिनाथ का मतलब बैल का चिन्ह बना हुआ है, ये धर्म चक्र है नहीं? ये सिंहासन मतलब जो भी ये हैं जी अष्टपत्यारी रतन सिंहासन, इधर चौड़ ढोलते हुए ये बंदर गंदर बाजा बजा रहे, इधर है ना हाथियों द्वारा पुष्पों की दृष्टि, तीन छत्र बने हुए ऊपर, ये ऊपर तीन छत्र के ऊपर भी है ना ढोलक बजाते हुए, ये अशोक वृक्ष के पत्ते हैं, ये भावमंडल बना हुआ, इस तरह ये पूरा एक मूर्ति के अंदर ही है नी समोसरण बना हुआ है जी। मतलब मंदिर जी की बाईं ओर जनालय में यहाँ पर चक्रेश्वरी माता जी को विराजमान किया गया है और जो ये प्रतिमा है ये भी जब आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी उसी के साथ चक्रेश्वरी माता जी की प्रतिमा भी प्रकट हुई थी। जो आराध्य देव हैं ये आदिनाथ भगवान के और इनको यक्ष यक्षिणी हम बोलते हैं। चक्रेश्वरी माता के जिनाले के सामने भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जी की चरण रज है जिसको आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। मंदिर जी का नव निर्मित त्रिकुट जिनाले बहुत ही भव्य बना हुआ है और क्षेत्र पर भी एक अलग सा चुंबकीय प्रभाव है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। जब से हम रानीला को जानते हैं, जब से हम देख रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहता है, ये तांता ऐसे ही नहीं लगता, प्रभु में शक्ति है तभी तो तांता लगता है। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, मन के अंदर यदि भावना आते हैं कि मैं रानीला जाऊं, रानीला जाने के भाव आने से ही उसके क्षण भंगुर में ही पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा हमने वास्तविकता में देखा है। याद रखिए रानीला अद्भुत है, प्रभु की लीला। रानीला क्षेत्र पर संत मुनि और आरिकाएं संग सहित आते रहते हैं, उनके लिए साधु निवास बनाया गया है जहाँ पर 5 कमरे अलग से हैं और शुद्ध विधि पूर्वक आहार के लिए भी अलग से चौकी की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए भी मंदिर परिसर में 80 कमरों की धर्मशाला है जिसमें सभी सुविधाओं से पूर्ण साफ कमरे बने हुए हैं जिसमें डबल बेड, एसी, हीटर, अटैच बाथरूम एंड टॉयलेट की व्यवस्था है। और खाने की व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, रानीला जी मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ पर निःशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है जहाँ पर बाहर से आए सभी यात्रियों के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। ২০১৮ में विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम वर्ष में एक कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण हुआ है। ये सब भगवान की कृपा है, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रताप से और आप सब लोगों के सहयोग से, दानी महानुभावों के सहयोग से निरंतर कार्य चल रहा है। और अब हम यहाँ पर 24 तीर्थंकर वाटिका बनाना शुरू किए हैं जिसके अंदर 24 केवली वृक्ष लगाए जाएंगे, 27 नक्षत्रों के वृक्ष लगेंगे और 12 राशियों के वृक्ष 2 एकड़ भूमि में हमारा निर्माण चल रहा है और ये सब भगवान के प्रताप से है। और दुनिया इतनी आती है यहाँ पर, 2 जो है ना ऐसे जो है ना मेले भरे जाते हैं, एक तो भगवान आदिनाथ के जन्मदिन पर, एक प्रतिमा जब निकली थी दुशहरे के टाइम पर उस टाइम 2 अक्टूबर को, और ये 2 मेले यहाँ पर हर साल भरे जाते हैं पूरे उस जोश शोर से। मैक्सिमम यहाँ मेडिकल कैंप्स जो लगाए जाते हैं, लगभग 4 साल से मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिसिन, फ्री चश्मे,
फ्री चेकअप जो है वो सुविधा दो डॉक्टर आते हैं हमारे पास, एक डॉक्टर ईश्वर हॉस्पिटल से है, एक दादरी सांगवान हॉस्पिटल से है। फ्री सेवाएं हम जो है 4 साल से करते आ रहे हैं। रानीला जी, हरियाणा के अंदर एक आस्था का केंद्र बना हुआ है और सिर्फ जैन ही नहीं, दूर दूर से यहाँ पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और भगवान के अतिशय और चमत्कार की जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर अनेकों अनेक हैं जो लोगों के साथ यहाँ पर घटित हुई हैं, कि जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है उसका कैंसर ठीक हो जाना। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप मंदिर जी में आएँ, दर्शन करें और सेवा का मौका दें। बहुत आदना भगवान का, बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस क्षेत्रों के ऊपर बना सकें। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके बताइएगा। जय जिनेंद्र।